अनूपपुर जिले से हैं, जहां न्यूनतम वेतन में एक तरफा कटौती से खिलाफ C2 यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन सौंपते हुए C2 यूनियन ने मांग की है कि जो न्यूनतम वेतन वृद्धि की दर सरकार द्वारा बढ़ाया गया था, उसको विरोध में जाकर तमाम पूंजीपतियों ने न्यूनतम वेतन की वृद्धि के विरोध में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया गया है। वहीं इसी को लेकर C2 यूनियन का कहना है कि सरकार न्यूनतम वेतन की वृद्धि कर और वृद्धि दर को बढ़ाए जाने और रखने न्यायालय में मजदूरों के पक्ष में मजबूती पर अपना पक्ष रखे, वहीं जिससे मजदूरों को कुछ राहत मिल सके। अगर यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम सड़कों में उतरकर आंदोलन करेंगे ताकि उनकी बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की दर की राशि से वसूली न हो। आज हम लोग न्यूनतम वेतन के सवालों को लेकर के जो ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारा मांग ये है कि जो न्यूनतम वेतन बढ़ाई गई है, सरकार तमाम उद्योगपति जो है इस पर रिट फाइल किए हैं, हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है, तो सरकार मजबूती के साथ में श्रमिकों के हित में जो है अपना पक्ष रखें। हम लोगों ने एक न्यूनतम वेतन को लेकर लंबे समय से सेतु लड़ाई लड़ रही थी। इसके बाद सरकार ने चुनावी गेम के आधार पर उन्हें किया, 9 साल बाद किया, जो कि 1948 में न्यूनतम वेतन का जब से प्रक्रिया चली आज की डेट में अगर 26 हज़ार होना चाहिए, जिसे सरकार ने 1 अप्रैल को तो लागू की, लेकिन इसके बाद तमाम उद्योगपतियों के माध्यम से इंदौर शक्तिपीठ हाईकोर्ट ने उन्हें याचिका दायर कर दिया और उस पर ब्रेक लग गया। यहाँ तक जितना भी किया गया, जो पैसा मिलने जिन कंपनियों ने दे दिया उनके पैसा जबरिया काट लिया गया। इसको